बड़ी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा वीडियो आया है, जो कि मशीन को केयर कैसे करते हैं। अब मशीन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिटेल से जानेंगे। ये भाई कारीगर है और काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल कारीगर है। तो भाई आप ये बताओ, मशीन को कितनी बार तेल डालना चाहिए और क्या टाइमिंग कैसा रहता है उनका? दिन भर में 3 बार डालना चाहिए, ठीक है, सुबह दोपहर में रात में उठने के बाद। ओके, मतलब जैसे रनिंग काम हो रहा है तो आपको डालना है, ठीक है। और मशीन में जैसे तेल डाल दिए तो कहाँ कहाँ तेल डालना है और तेल कैसे निकालना है वो भी एक बार तेल बता दीजिए। इसमें पूरा छेद में डालना है। तेल तेल ले लो ना, थोड़ा सा तेल ले लो, थोड़ा एक डेमो बता दो। थोड़ा एक मिनट रुक जाइएगा, आपको तरीके से बता रहे हैं ताकि क्या आपको बेहतर समझ में आए। तेल की कितनी देख वहाँ है, हाँ देखिए अभी, हाँ तेल यहाँ डालना है, चाहिए इसमें डालना चाहिए, मतलब यहाँ डालना सुराग में, चाहिए, ये सुराग में नहीं अब डालना, वो सुराग में नहीं डालना है, ठीक है, वो हो गया। बाकी रॉड में डालना है, रॉड में यहाँ डालना है, अच्छा ठीक यहाँ है, से खोल के सेटल में डालना है। ये देखो सेटल है, सेटल और फाइबर अंदर में है दोनों, ठीक है, सेटल हो गया। अच्छा ठीक है, और वो उसके बाद आप सुई कैसे पहनाते हो? अच्छा पहले वो बता दो, धागा कैसे पहनाते हैं? बोबिन भरना है, बोबिन भरने के लिए बता रहे हैं, हाँ बोबिन ऐसा करके, से भर जाएगा, ठीक है, उसको लगा के भी दिखा दो, यहाँ से ये हटा दो ना, थोड़ा सा समझ में आए तो। अच्छा ये देखिए, ये उसका ऐसे लगेगा, इसमें अच्छा फुट से थोड़ा आवाज भी करता है, बस सही है। और उसके बाद आप धागा पहना के वो भी बता दो, नया कलर कलर है, काला की जगह कुछ और दे दिखाओ, पिंक पिंक लगाओ धागा, हाँ पिंक या कुछ लाल वाल जो दिखे, हाँ पीच कलर से लगे। तो आपको धागा भी पहना के दिखाया जा रहा है, यहाँ पर इसे धागा लेना है। बेसिकली देखिए यहाँ पर इसे होते हुए धागा, फिर ये बोबिन में, स्प्रिंग में डालना है। अच्छा स्प्रिंग में, स्प्रिंग क्यों लगाते हैं भाई? जब मशीन टाका नहीं पकड़ता तब लगाना है। अच्छा मशीन जब टाका नहीं पकड़ेगा तब आपको स्प्रिंग लगाना चलाना पड़ेगा। ओके चला के दिखाना है, हाँ चला के दिखा दो, जैसे थोड़ा कलर मतलब जो ऑयल ऑयल कैसे निकालना है वो दिखा दो, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें और मशीन के बारे में बता देता हूँ। ये देखो ये दाब है, इससे ऐसा ब्रेक होते हैं चौड़े पतले, जो पत्ती बनते हैं वो इससे ही बनते हैं, मेन उसी का ये कॉन्सेप्ट है। अभी भाई जितना है सब पहले सीखने का, हाँ ओके, ये सब हम आप लोगों को ऐसे बना बना के भी सिखाएंगे। बाकी देखो ये जैसे तेल वेल, मतलब आप एक चिंदी ले लेना, देखो इसमें थोड़ा देखो तेल दिख रहा है, आप दिख रहे हैं देखो, तो इससे क्या कपड़े थोड़े आपको ख़राब हो जा रहे हैं, उसके लिए आपको पहले कलर निकाल, मतलब ऑयल निकाल लेना, थोड़े टाइम में से पत्ती उत्ती मार लेना है चिंदी पर, और देन अपना काम स्टार्ट कर। जो भी मैं बता रहा था ना ब्रेक, उससे हो रहा है, जैसे जैसे ज़्यादा ब्रेक मारेंगे उतना चौड़ी पट्टी बनेगी। और ये जो मशीन है ये मशीन एम्ब्रॉयडरी है, और लोग घर के भी मशीन से बनाते हैं एम्ब्रॉयडरी, मगर मैं हमेशा यही बोलूँगा कि मशीन एम्ब्रॉयडरी से काम कीजिए, आपका जो काम की फिनिशिंग है ना वो काफ़ी अच्छा होगा, और जो नॉर्मल मशीन से हो रहा है होता है उसकी फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं होता है, और टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू, इसमें अच्छा भी बनेगा और टाइम भी आपका कम लगेगा। तो ये सेकेंड हैंड में भी मार्केट में मिल जाता है, न्यू भी ले सकते हैं, और बाकी आपको इससे एडवांस लेवल का भी मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए,
और आपको जिस भी कैटेगरी में मतलब वीडियो चाहिए आप मेंशन करेंगे तो मैं ट्राई करूँगा कि फैशन इंडस्ट्री में ही होना चाहिए, तो आपको मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के दूँगा। और शेयर करते रहिए।